जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो बनाया था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। आज हम उसका पार्ट टू वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ऐसी पांच मुख्य बातें कवर करने वाले हैं जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हेल्प कर सकती है। ये बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो या जॉब करते हो उस सेगमेंट को भी ये बातें लागू होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो पांच मुख्य बातें क्या है। आपको पांच स्टेप फॉलो करने होते हैं, उसमें से पहला स्टेप होता है वो होता है ड्रीम। दोस्तों, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो हम कभी भी अपना ड्रीम लिस्ट नहीं बनाते हैं जी। दोस्तों, अगर हम हमारे पास में एक हमारा ड्रीम लिस्ट हो कि हमें क्या चाहिए इस जॉब से या बिजनेस से, या आप जो नेटवर्क ज्वाइन कर रहे हो उस बिजनेस से आपको क्या चाहिए, ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसे आप हासिल करना चाहते हो। ड्रीम को भी हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, आने वाले 5 सालों में आपको ऐसी क्या चीज़ होगी जो अट्रैक्ट करेगी इस बिजनेस को करने के लिए। उसके बाद होता है मिडल ड्रीम, ऐसी क्या नीड है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, आज आप इस बिजनेस को करने के लिए जो आपको नेगेटिवेशन आएगी आप उसे फेस करके भी इस बिजनेस को कर ही लोगे, इसके लिए आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम होना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, हर बिजनेस में थोड़े बहुत नेगेटिवेशंस आते हैं, उसे हम निगेटिवेशन नहीं कहेंगे, उसे हम चैलेंजेस कहेंगे। तो जो चैलेंजेस आते हैं हमें उसे फेस करना होता है। इसकी दूसरी मेन बात होती है दोस्तों, वो होता है डेट। आप ड्रीम देख लेते हो, उस ड्रीम के ऊपर डेट लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। आपने एक मान के चलो ड्रीम देख लिया, मुझे एक कार चाहिए, वो कार चाहिए तो आपको वो कार कब चाहिए, उस पर डेट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप डेट नहीं लगाएंगे तो आपका ड्रीम हमेशा ड्रीम में ही बना रहेगा, वो कभी सच्चाई में नहीं आएगा। दोस्तों, उसका तीसरा पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग ऐसी चीज़ होती है, अपने ड्रीम देख लिया, डेट लगा ली और उस डेट में आपको वो चीज़ कैसे हासिल करना है, ये आपके, मैंने जैसा आपको बताया था, आपके एक्टिव अपलाइन के साथ आपको बैठ के ये चीज़ें तय करनी होती हैं कि ये इस डेट के अंदर मैं ये जो प्लान कर रहा हूँ ये मैं कैसे उस ड्रीम को हासिल कर सकता हूँ। इसकी चौथी मुख्य बात होती है, वो होती है फेथ। आपने ड्रीम देख लिया, आपने उस पर डेट भी लगा ली, आपने उसका प्लान भी बना लिया, लेकिन अगर आपको उस सब चीज़ों पे फेथ ही नहीं है, आपका विश्वास ही उन चीज़ों पर नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल लगने लगती है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती है ये आपके विश्वास पर डिपेंड करती है। इसकी पांचवी जो मुख्य बात होती है वो होता है एक्शन। आपने ड्रीम भी देख लिया, आपने डेट भी लगा ली, आपने योजना भी बना ली कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपको विश्वास भी है, लेकिन मैक्सिमम होता यही है कि हमारा सब कुछ आके एक्शन पर अटक जाता है। जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमें करना होता है, वो हम जो चैलेंजेस है उनको देख करके हम पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उस एक्शन पर डटे रहना है और उसी एक्शन पर काम करते करते हम उन चीज़ों को उन डेट के अंदर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, ये बात आपके जॉब पर, आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उस पर, हर उस चीज़ पर लागू होती है जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि आपके लिस्ट पर कैसे काम किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में इन वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।